तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँगा क्योंकि अपने 10K सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि मेरा एक ड्रीम था और आप लोगों के बिना वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। तो थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए और 10K सब्सक्राइबर इतनी जल्दी कराने के लिए। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से, तो थैंक यू सो मच अगेन। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कुछ एडोन्स के बारे में, जिन एडोन्स का यूज़ करने के बाद आप काफ़ी अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हो और आपका टाइम भी बचने वाला है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात कर लेते हैं कैमरा शेकी एड ऑन की। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये एड ऑन एक कैमरा के लिए बना है, तो मैं यहाँ पर अगर कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको जाना है कैमरा की सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको शेक के जो प्रीसेट्स वगैरह हैं उनको अप्लाई करके आप अलग अलग आउटपुट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हैंडी कैम है, वॉक टू द स्टोर है, तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वाला प्रीसेट लगा रखा है और यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस की वैल्यू, स्केल और स्पीड और फ्रेम ऑफसेट्स की वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ अलग अलग आउटपुट निकाल सकते हो अपनी पसंद के। तो मैं यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ और ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है ये डायरेक्टली इस एडोन का यूज़ करके, मैंने कोई भी एनिमेशन वगैरह नहीं लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी वजह से हमारा जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो क्रैक्स एंड डैमेज प्लगइन का यूज़ करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर एज डैमेज करके यहाँ पर डैमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट है काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर डैमेज की स्केलिंग वगैरह को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ पर डैमेज की डेंसिटी को भी इंक्रीज डिक्रीज करके कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी दिखा के कुछ अच्छा सा आउटपुट निकाल सकते हो। तो ग्रंजिट एडोन का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप ग्रंजेस और स्क्रैचेस वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप अपना रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर लेना और यहाँ पर क्वालिटी और यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज़ वगैरह उनको सेट करने के बाद आपको कर देना है अप्लाई ग्रंजिट और यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो मटेरियल्स है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ग्रंजिट और स्क्रैचेस वगैरह अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कलर्स यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ और यहाँ पर जो इसकी जो ओवरऑल अमाउंट है इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वगैरह और यहाँ पर जो मेटैलिक है इसको भी और ग्लोबल कंट्रोल और यहाँ से मैं ग्रंजेस वगैरह को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप स्क्रैचेस वगैरह डिक्रीज कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है अब हमारी जो मशीन थी। तो इस एडोन का यूज़ करके आप नॉर्मल मॉडल्स वगैरह को रियलिस्टिक टेक्चर्स दे सकते हो। तो ब्लेंडर में आने के बाद यहाँ पर मैं दो क्यूब क्रिएट कर लूँगा, तो इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ और इसके बाद जो हमारा एडोन है उस पर क्रिएट एडिट केबल्स पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो कि हमारी केबल काफ़ी इजी वे में क्रिएट होगी। अगर मैं माउस के व्हील को स्क्रॉल करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ वायर्स हैं जो इंक्रीज़ होती रहेंगी और अगर स्क्रॉल डाउन करूँगा तो डिक्रीज़ होती रहेंगी। तो इस तरीके से जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपकी वायर्स वगैरह क्रिएट होती रहेंगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ आ जाता है जब हम अक्सर साइबरपंक स्टाइल आर्टवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें वायरिंग्स वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है हमें हमारे सीन को अच्छा बनाने के लिए। तो वहाँ पर ये एडोन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इजी HDRI एडोन इंस्टॉल करने के बाद आपका एडोन यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद इस फोल्डर पे क्लिक करना है और आपको वो वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपने HDRI का कलेक्शन बना के रख रखा है। तो मैंने डेक्सटर और अपने HDRI का कलेक्शन यहाँ पर बना के रखा हुआ है और यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करने के बाद आपके HDRI का कलेक्शन यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा और कोई भी HDRI सिलेक्ट करोगे और उसके बाद करना आपको क्रिएट वर्ल्ड नोट्स पर क्लिक और इस पर क्लिक करने के बाद आपका HDRI डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हो। तो इस एडोन का यूज़ करने के बाद आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने वाला है क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से अपने HDRI वगैरह को चेंज कर सकते हो। तो रियल्स का ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एडोन है क्योंकि इस एडोन का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के HDRI और स्काई क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं अनेबल करूँ स्काई को तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा स्काई यहाँ पर क्रिएट हो गया है और यहाँ पर अगर मैं डे को 6 कर दूँ और मंथ को भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो और मैं टाइम को अगर 16 कर दूँ और जो यहाँ पर क्लाउड्स के टाइप्स दिख रहे हैं आपको और मैं अगर इसको अनेबल कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हाई क्वालिटी के क्लाउड्स वगैरह क्रिएट हो गए जिनकी डेंसिटी वगैरह भी यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और दूसरे क्लाउड्स भी इनके साथ ही मिक्सअप करके आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे एल्टीट्यूड है जो इसको भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और यहाँ पर जो ट्यूबिडिटी है इसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करके स्काई का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा एड ऑन है ये, इसका यूज़ करके आप काफ़ी हाई क्वालिटी के स्काई वगैरह क्रिएट करके अपने सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो और ये जो स्काईज हैं काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा स्काई काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, तो इस एड ऑन का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना।
तो बायोम रीडर प्लगइन आता है बीडी थ्री डी की तरफ से, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इंस्टॉल करने के बाद आपका बायोम रीडर प्लगइन डायरेक्टली यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको प्लेन पर इसे अप्लाई कर देना है और ओपन बायोस में जाके यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिल जाएंगी आप लोगों को, और यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो ये डायरेक्टली आपके प्लेन पर अप्लाई हो जाएगी बिल्कुल रियलिस्टिक वे में। और अगर आप लोग चाहते हो इस एडोन का यूज़ करके ये वाला एनिमेशन क्रिएट करना, तो मेरे चैनल पर जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो ब्लेंडर किट एडोन इंस्टॉल करने के बाद आपका एडोन यहाँ पर अवेलेबल दिखेगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि काफ़ी सारी रिसोर्सेज मिलने वाली है, मॉडल्स, मटेरियल, सीन्स और एसडीआरआई। तो ये एडोन है बिल्कुल अनलिमिटेड रिसोर्सेज से भरा हुआ। अगर मैं मॉडल सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं कार, तो यहाँ पर कार आ जाएंगी काफ़ी सारी। तो ये फर्स्ट वाली जो कार है मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्लिक करने के बाद डायरेक्टली डाउनलोड होने के बाद आपके प्लेन पे अवेलेबल दिखेगी। तो हमारी कार यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आ गई है, और इसके बाद अगर मैं प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ मटेरियल्स में और यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल्स आ गए हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा मटेरियल डायरेक्टली लग गया है। और इसके बाद मैं जाता हूँ एसडीआरआई में, तो एसडीआरआई में जाने के बाद यहाँ पर अगर मैं ये वाला एसडीआरआई लगाना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा ओके करने के बाद, तो यहाँ पर एसडीआरआई भी डायरेक्टली अवेलेबल हो गया है। तो ये ऐड ऑन है सबसे बेस्ट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती है, वो भी फ्री में। तो इस ऐड ऑन को तो आप इंस्टॉल कर ही लेना, क्योंकि मैं अक्सर मेरी सारी वीडियोस में इसको यूज़ करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लेंडर में इमेज को इंपोर्ट करने के लिए पहले आपको इमेजेस प्लेन्स में जाना पड़ता है, और फिर जहाँ पर आपकी इमेज है वहाँ पर उस इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है, तभी वो इमेज ब्लेंडर के अंदर आती है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ का एक शॉर्टकट तरीका। तो पहले हम इस एडोन को कर लेते अनेबल, तो मैं प्रेफरेंसेस में जाऊँगा और यहाँ पर जो इमेज पेस्ट वाला एडोन है जो अभी हमने डाउनलोड किया उसको अनेबल कर दूंगा। और इसके बाद अपने लैपटॉप या पीसी की गैलरी में कोई भी इमेज देख रहे हो तो आपको उस पर करना है राइट क्लिक और यहाँ से कॉपी करना है, और सीधा आना है ब्लेंडर के अंदर और शिफ्ट प्लस ए से जाना है आपको इमेज में, और इमेज में जाने के बाद यहाँ पर कर देना पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड एज प्लेन। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने वाला है, क्योंकि अगर आप काफ़ी सारी फोटोज एक साथ स्क्रॉल कर रहे हो अपनी गैलरी में, उसके बाद आप चाहते हो कि डायरेक्टली मैं ले आऊँ, तो इसका यूज़ करके आप काफ़ी ईजी तरीके में ला सकते हो अपनी इमेज को, और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। तो इस एडोन का यूज़ करके आप एक क्लिक में ओशन क्रिएट कर सकते हो बिना ओशन मॉडिफायर का यूज़ करके। तो यहाँ पर आप ओशन के टाइप्स वगैरह देख सकते हो, जो ओशन आपको पसंद आए उस पर क्लिक करके यहाँ से अपेंड करके आपका ओशन यहाँ पर रेडी हो चुका है, और यहाँ पर आप ओशन की सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हो। तो बिल्कुल ईजी वे में आप रियलिस्टिक ओशन बना सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो जो भी एडोन्स मैंने बताए हैं उन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना उन एडोन्स का यूज़ करके, और अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जो भी क्रिएट करो वहाँ पर आप आके शेयर कर सकते हो और अपने जैसे लोगों से या फिर मुझसे फीडबैक ले सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।